हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल मोहिनी ब्लॉग्स में। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। भगवान की कृपा से हम सब भी एकदम स्वस्थ हैं और मस्त हैं। और आप सबको नमस्कार। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें। आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो गाइस, अभी टाइम हो रखा है 11, क्योंकि सुबह सुबह मैं ब्लॉग स्टार्ट नहीं कर पाती हूँ। तो अभी टाइम हो गया था 11, तो मैंने यहाँ पे ना बर्तन धोने वाला आज स्टैंड इसे साफ़ करा था, क्योंकि ये बहुत टाइम से लगा हुआ था तो मैंने इसे क्लीन नहीं करा था। ये बहुत ही ज़्यादा गंदा हो गया था तो आज मैंने इसे साफ़ कर दिया था अभी, क्योंकि मैंने इसे इनके ड्यूटी जाने के बाद, अपने हस्बैंड जी के ड्यूटी जाने के बाद इसे क्लीन करा था। पूरा 1 घंटा लग गया था मुझे इसे साफ़ करने में। तो आज मैंने ना सारा साफ़ कर दिया था, ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा बर्तन भी साफ़ कर दिए थे सारे, जितने भी मैं किचन में रखती हूँ, और ये स्टैंड भी साफ़ कर दिया था। तो अभी मैं ना बर्तन, ये सूख गए थे तो मैं इनको अच्छे तरीके से लगा रही थी, जिस तरीके से मैं रखती हूँ। सो गाइस, इस किचन में ना 2 लोग इस्तेमाल करते हैं तो इसलिए ना ज़्यादा ऑयली लग गया था ये स्टैंड पर, इसलिए मुझे ना साफ़ करना पड़ा ये, तो ज़्यादा गंदा हो गया था। तो आज मैंने ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा क्लीन कर लिया था अच्छे से। तो फाइनली अभी सारा क्लीन कर लिया है मैंने, यहाँ पे पूरे अच्छे तरीके से साफ़ कर दिया था। तो इस तरीके से मैं रखती हूँ अपना सामान, जितना हिस्सा मैं इस्तेमाल करती हूँ उसी को मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो सामान के ऊपर सामान रखना पड़ता है, इस तरीके से मैं मैनेज करके रखती हूँ। तो यहाँ पे काम ख़त्म करने के बाद फिर लड्डू को भी नहलाना है अभी, और गन्नू को भी नहलाना है, क्योंकि अभी मैंने बच्चों को भी नहीं नहलाया है और मैं खुद भी नहीं नहाई हूँ, क्योंकि छोटे बच्चों के साथ सुबह सुबह नहीं कर पाती हूँ नहाना धोना। सुबह ही बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, नाश्ता बनाओ, फिर स्कूल भेजो बच्चों को, और फिर वो भी ड्यूटी चले जाते हैं। उसके बाद मैं बच्चों के साथ, गन्नू के साथ खेलती हूँ 1/2 घंटा, उसके बाद मैं अपने काम पर लगती हूँ। तो अभी मैंने गन्नू को नहला दिया था और मैं इसे पिला रही थी दूध। मैंने कहा ये दूध पी लेगा तो उसके बाद ये खेलता रहेगा। और इसके खेलने के बाद मैंने गन्नू को, मतलब लड्डू को नहला दिया था। अभी लड्डू को भी नहला धुला के तैयार कर दिया था। उसके बाद मैंने झाड़ू पोछा किया और अंशु भी आ गए थे स्कूल से। गए जंतु भी आ गए स्कूल से, मैं उनको ही इंतजार कर रही थी क्योंकि मैं नहाने के लिए, वो कहाँ है गए, मैं नहा के आ गई हूँ, मैंने लगा दी है यहाँ पर मशीन। और अब बनाते हैं खाना। गाइस, मैं आ गई हूँ किचन में और बना रही हूँ खाना। आज मैं खाना बनाने में बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ, और अंशु की डिमांड है 2-3 दिन से कि मम्मी कढ़ी बनाओ कढ़ी बनाओ, तो इसलिए आज ना इतनी लेट होने के बाद में मुझे कढ़ी बनानी पड़ रही है, क्योंकि मैंने उससे ना प्रॉमिस करा था कि मैं कढ़ी बनाऊँगी आज। तो मैंने कहा चाहे आज कितनी भी लेट हो जाए पर कढ़ी तो बनानी ही है, और टाइम हो गया था 2। मैं कढ़ी पहले मट्ठा लेके आई तो आंटी भी बोली थी कि आज 2 तो बजे हैं, इतना लेट खाना बनाइए, 3 बज जाएंगे बनाते बनाते। मैंने कहा बनाना है क्योंकि उसका डिमांड है, तो इसलिए मैंने फटाफट से बेसन पहले ही घोल के रख दिया था ताकि पकौड़ियाँ सॉफ्ट बन जाए, और मेरे हस्बैंड जी को ना पकौड़ियाँ सॉफ्ट ही पसंद हैं, हार्ड वाले नहीं खाते हो, तो इसलिए मैं बेसन पहले ही घोल के रख देती हूँ जब भी कढ़ी बनानी होती है। तो मैंने पकौड़ियाँ बना के और एक्स्ट्रा तेल निकाल लिया था। अब मैं छौंक रही थी कढ़ी, और मैं सिंपल तरीके से ही छौंकती हूँ कढ़ी को, ज़्यादा वो नहीं करती हूँ। जीरा डालती हूँ और मेथी दाना डालती हूँ और छोटा सा प्याज डाल दूँगी, क्योंकि प्याज की भी ना अच्छी खुशबू आती है थोड़ी कढ़ी में। अंशु को पता नहीं चलना चाहिए कि कढ़ी में प्याज डाला है, तो मैं उसे ना अच्छे तरीके से भून लूँगी, और छोटा सा ही डाला है, ज़्यादा बड़ा नहीं डाला है, और बारीक बारीक काट के। तो यहाँ पर मैंने कढ़ी छौंक दी है,
मैं तो सिंपल तरीके से ही बनाती हूँ, आप कैसे बनाती हूँ कमेंट में बताना गाइस। और अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़, और सपोर्ट भी। तो गाइस यहाँ पे मैं खाना बना रही हूँ फटाफट से, क्योंकि अभी सबको भूख लगी है और कड़ी के नाम पे ना बच्चों को और ज़्यादा भूख लग जाती है। तो मैंने ना उनको पकौड़ियाँ दे दी थी खाने के लिए, अंशु को भी दे दी थी और गन्नू को भी और लड्डू को भी, तीनों को दे दी थी मैंने पकौड़ियाँ। वो खा रहे थे इसलिए चुपचाप से खेल रहे थे अंदर, क्योंकि वो पकौड़ियाँ भी खा लेते और साथ में खेल भी रहे थे तीनों। और फिर मैंने चावल भी चढ़ा दिए हैं और कड़ी मेरी उबलने वाली है, तो मैं यहाँ पे पकौड़ियाँ भी डाल दूँगी, क्योंकि कड़ी तभी नहीं, पकौड़ियाँ तभी डालते हैं जब एक उबाल आ जाए। तो मैंने उबाल आ गया था एक, और फिर इसे ना धीमी धीमी आंच में पकने दूँगी एक घंटा आधा घंटा। गाइस मैंने कड़ी और चावल तो चढ़ा दिए हैं, अभी आराम से अपने आप पकते रहेंगे, ढक दिया है मैंने। और अब मैं कपड़े धो रही हूँ, कड़ी बनाने में और घर का काम करने में बहुत ही कड़ी मेहनत लग गई है मेरी। तो गाइस चलो अब मैं कपड़े निकाल लेती हूँ, क्योंकि कपड़े भी लगा रखे थे मैंने मशीन में, वो धुल चुके हैं, अब उनको निकाल देती हूँ। गाइज कपड़े तो धुल गए हैं और मैंने वो सुखाने के लिए रख दिए हैं अभी मशीन में। तो यहाँ पे मैं कड़ी घुमाने के लिए आ गई थी, क्योंकि टाइम हो गया था, तो मैंने कहा एक बार घुमा देती हूँ, फिर थोड़ी देर और पकेगा ये। तो उसके बाद कपड़े सूख गए थे, इनको निकाल दूँगी और इनको सुखा के आ जाऊँगी ऊपर मुंटी में, क्योंकि आज ना मौसम थोड़ा अजीब सा हो रखा है, बेकार सा, तो बारिश भी आ सकते हैं कभी भी, और आजकल मौसम मतलब कुछ पता नहीं रहता है, धूप भी आती है तो तब भी बारिश हो जाती है, तो इसलिए ना हम यहीं पे सुखा देते हैं अपने कपड़े। तो और सूख जाते हैं यहाँ पे, अगर मशीन में सूखे रहते हैं तो यहाँ पे सूख जाते हैं कपड़े, अगर मोटी सी बारिश होती है ना तो यहाँ से भी पानी टपकने लग जाता है ऊपर से, तो आधे कपड़े ना गीले हो जाते हैं, सारे नहीं होते हैं क्योंकि कहीं कहीं से टपकता है पानी। आज मैंने यहीं सुखा लिए हैं कपड़े अंदर ही, क्योंकि बाहर ना बारिश हो रही है हल्की हल्की सी, तो यही सुखा दी। जी वो बहुत खुश है, आपसे मिलकर आपको शुक्रिया भी करना चाहते हैं। हेलो वीवो, कैसा हो रहा है लड्डू? बहुत हो रहा है, कैसा हो रहा है लड्डू कड़ी? यहाँ देखो बहुत हो रहा है, कैसे हो रहा है अंशु? बहुत अच्छा। गाइस इनको तो मैंने दे दिया है खाना और अब मैं भी खाती हूँ, क्योंकि बहुत तेज की भूख लगी है। गाइस खाना वाना खा लिया है और बर्तन भी धो दिए हैं, अंशु को भेज दिया है ट्यूशन, और लड्डू और गन्नू सो रखे हैं अभी, और बिल्कुल ना माहौल शांत हो गया है एकदम, क्योंकि सुबह से जब से ये उठते हैं ना तो इनके साथ इनके पीछे पीछे भागो, काम करो, इधर देखो उधर देखो, कभी सुसु कर दो कभी पोटी कर दो, इतना ज़्यादा वो करते हैं भगा देते हैं। तो सुबह से लेकर शाम तक ना इतनी कड़ी मेहनत हो जाती है बच्चों के साथ ना बहुत ज़्यादा, और शाम तक तो हम पागल ही हो जाते हैं शाम तक हम पागल हो जाते हैं दोनों हस्बैंड वाइफ, क्योंकि हम दोनों इनको संभालते हैं, तो पता है कभी इधर को एक भागता है कभी उधर को दूसरा भागता है, तो फिर संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है इनको, अकेला बंदा तो संभाल ही नहीं सकता है। तो ये तो आ जाते हैं 3-4 बजे, इसलिए थोड़ी मेरे को मदद मिल जाती है। सो गाइस यार ये ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, और अभी बिल्कुल माहौल ना बड़ा शांत लग रहा है, बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही है घर में, क्योंकि दोनों सो रहे हैं और वो ट्यूशन गया है, तो इसलिए वो लेटे हुए हैं आराम से मेरे हस्बैंड जी, और अब मैं भी थोड़ी लेट जाती हूँ। इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ गाइस, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर मेरे चैनल पे नए हो, और बेल आइकन को प्रेस करें। आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।